मामा आए, उनका तो बहुत बड़ा शुक्रिया कि हमारे लिए अपना काम छोड़ के दिल्ली से यहाँ आ गए, मगर उनके ऊपर तो हमको पूरा भरोसा है। शुक्रिया है कि बाल्या मामा यहाँ तलक आए, हमारी गरीबी देख के, हमारी मजबूरी देख के, करेंगे वो हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। सब सब मौजूद है उसी जगह पर, भिवंडी शहर के रोशन बाग इलाके में, जहां पर पिछले 25 तारीख को 9 घर तोड़े गए थे। 9 घर के लोगों को बेघर किया गया था। उसको देखते हुए सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने उसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाई। उसके बाद यहाँ भिवंडी शहर के कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, नगर सेवक है, और आज 5 दिनों के बाद में भिवंडी शहर के जो आमदार है इवेश के, जो महेश चौगले, और जो इस ने इस क्षेत्र के जो MP है, जो खासदार है सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, आकर आज वो इन लोगों से मुलाकात की है और उनको क्या आश्वासन दिया हम आपको बताएंगे कि इन परिवारों के लिए इस बार जब तक ये इनका घर नहीं बसता, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, उनको किस तरीके से और कहाँ रहने का इंतज़ाम किया गया। तो आइए हम जानना चाहेंगे उन परिवार से कि क्या भिवंडी शहर के जो आमदार है और खासदारों ने क्या कहा, उनसे हम बात करते हैं। 9 जो परिवार है वो अब यहाँ पर है, अब उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो भिवंडी शहर के वेस के जो आमदार है और जो खासदार है उनसे क्या बात हुई है और क्या कहा है, क्या किस बात का आश्वासन मिले, क्या कहेंगे खाले, क्या हुआ है आपके कहा जाते आए। महेश चौगले शुक्रिया उनका, देर से आए, दुरुस्त आए, जो भी बोल रहे हैं हमारे से जो भी होएगा हम कर सकते हैं या करेंगे, रह गया सवाल देखेंगे। अभी वहाँ कमिश्नर साहब आएंगे मंडे को, आप लोग वहाँ चलो, वहाँ हमको क्या बोलने का है वो हम बोलेंगे। उसके बाद मामा आए, उनका तो बहुत बड़ा शुक्रिया कि हमारे लिए अपना काम छोड़ के दिल्ली से यहाँ आ गए, मगर उनके ऊपर तो हमको पूरा भरोसा है। शुक्रिया है कि बाल्या मामा यहाँ तलक आए, हमारी गरीबी देख के, हमारी मजबूरी देख के, करेंगे वो हमारे लिए। क्या कहेंगे आपको, हम लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, आमदार का, इनका भी, खासदार का, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारे गरीब के सुन के यहाँ तक तो आए अपना काम धाम छोड़ के। यही बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि आ गए, सुन लिए, देख लिए, उनको भी तसल्ली, हमारे को भी तसल्ली, हाँ कि कितना जुर्म ढाए हैं इन लोग। क्या कहेंगे मैं तो नहीं, सबसे पहले तो देखो मैं हमारे आमदार और खासदार दोनों का सही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले तो अपने जो खासदार हैं हमारे बाल्या मामा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दिल्ली सेक्शन छोड़ के खास तौर हमारे लिए यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और मैं हमारे MLA महेश सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप यहाँ भी तशरीफ लाए। और जो मैं बता रहा हूँ, जो बाल्या मामा ने हमसे कहा है कि मंडे के दिन हमको जाना है, मंडे के दिन हम लोग जाएंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर जो भी साथ में रहेंगे, इमरान वल्ली सर रहेंगे, फिर तलहा सर रहेंगे, और भी देगर लोगों को बताया गया है वो लोग रहेंगे, तो अब देखते हैं मंडे के दिन क्या होता। लेकिन उम्मीद तो जग गई है खासदार से भी, आमदार से भी। तो अभी फिलहाल में आप लोगों को मतलब रहने का बंदोबस्त क्या हुआ कि अभी तरीके से कब तक रहेगा? अभी रहने का बंदोबस्त का तो अभी कोई है नहीं डिसीजन, वो लोग बोले हैं कि हम आपस में डिसीजन करके तो आप लोगों को शिफ्टिंग के लिए हम लोग बात करके आप लोग को शिफ्टिंग करेंगे, ये बात उन्होंने बोली है कि हम शिफ्टिंग देंगे आप लोगों को, जब तक के कोई मसला हल नहीं होता या कुछ रिजल्ट नहीं आता आपको शिफ्टिंग मिलेगी। और उन्होंने बाल्या मामा ने यहाँ तक भी कहा है कि आपको खाने पीने की भी फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है, उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन मैं अभी भी बाल्या मामा जी को ये मैसेज करना चाहता हूँ कि बाल्या मामा जी अपना घर अपना होता है, बस खाली घर के लिए कोशिश कर दीजिए, वही बहुत है, इंशाल्लाह खाना तो हम मेहनत करके भी खा लेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है, यहाँ पे जो खासदार है और आमदार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है, उनसे उनकी जो आश्वासन है उनको लेकर उनकी जो उम्मीद जगी है, अब देखना ये है कि इनको क्या वाकई में न्याय मिलता है या फिर इसी तरह से आश्वासन के बाद में इन्हें बेघर किया जाता है। हमारे चैनल से बने रहिए, मैं ताहिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर। वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।